जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं जो लोग चला रहे हैं और उनके टोकन टैक्स अदा नहीं किए हुए उनको रोका जा रहा है। किताब उन्होंने दी हुई है और जैसे आएगी तो हम लगवा लेंगे। इस गाड़ी के 2 साल के टोकन शॉर्ट हैं जिनकी रकम जो है वो 1 लाख से ज्यादा बन रही है। छोटी गाड़ियों में बड़े लोग और बड़ी गाड़ियों में छोटे लोग ज्यादा हो गए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। नाज़रीन, अब लाहौर शहर में कोई भी ऐसी गाड़ी जो कि गैर रजिस्टर्ड है, नंबर प्लेट नहीं लगी, टोकन टैक्स भी कम से कम 1 साल तक अदा नहीं किया, उनको रोकने के लिए एक्साइज के नाके लग गए हैं इस स्टॉपर के साथ। जिस गाड़ी की भी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है, जिसका टोकन टैक्स अदा नहीं हुआ, उसको रोका जा रहा है और उसके अलावा उनकी गाड़ियाँ बंद भी की जा रही हैं। तो आए लोगों से जानते हैं और दिखाते हैं ये नाका किस तरह का लगा हुआ है। तो नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी गाड़ी रोकी गई है और इनको किस लिए रोका है ये हम जानते हैं। 1,28,000 इस चीज़ का सर ये टोकन टैक्स है। तो ये जनाब ये लाखों रुपए का टैक्स अदा नहीं किया इन्होंने। 1,28,000 रुपये बनता है। कब से नहीं अदा किया हुआ? ये तकरीबन कोई 4 साल से है। तो नाज़रीन, ये लेक्सस गाड़ी है LX570 और इन्होंने 4 साल से टैक्स अदा नहीं किया हुआ, इनको रोका गया है। एक और टोयोटा लैंड क्रूजर रोकी गई है। आज महंगी गाड़ियों की खैर नहीं है, जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं जो लोग चला रहे हैं और उनके टैक्स उन्होंने अदा नहीं किए हुए, टोकन टैक्स अदा नहीं किए हुए, तो उनको रोका जा रहा है। ये पीछे एक और गाड़ी रोकी है, टोयोटा लैंड क्रूजर V8 है जिसको रोका गया, और ये जो है पीछे आ रही है किया कार्निवल है, इनको भी रोका है। लैंड क्रूजर जो है उनको एक शॉट था, उनको छोड़ दिया है। अब किया कार्निवल है, ये क्यों नहीं आपने जमा कराए? इस साल का है, इस साल का अभी की है 2 माह पहले। आपको देना पड़ेगा ना, ये ऐसे तो नहीं ना। देखो 2 माह के लिए छूट थी, आपने जमा नहीं कराए। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं? हाँ जी, स्कूल से आ रहे हैं बच्चे। बच्चे किस स्कूल से आ रहे हैं और इनको लेट हो रहा है घर जाने के लिए? पहले लेट बहुत, उधर रश बहुत होता है, स्कूल लाइन है सारी। एक और गाड़ी यहाँ पर रुकी है, अप्लाइड फोर गाड़ी है और जिसमें स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे घर जा रहे हैं। सर ये क्यों रोका गया गाड़ी? जिससे गाड़ी चला रहे हैं, आप इनके कागजात मंगाएंगे, वो इनका नंबर लगवाएंगे। ये मालकों को फ़ोन कर रहे हैं कागज़ असर मंगाने के लिए। ये कागज़ मंगाएंगे तो हम इनके कागज़ साथ रखेंगे और सुबह इसको नंबर लगवाएंगे। अब ये बताएं, गाड़ी आपको पता था ये अनरजिस्टर्ड है और चला रहे हैं आप? हम तो मुलाजम हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये तो उनको खुद भी मतलब पता है, अभी गाड़ी बगैर अभी क्या किया जाएगा फिर? जैसे आप कहेंगे सर, माफ़ी तलाफी होनी है, इसके अलावा तो कुछ हो सकती है और इसके अलावा और क्या हो सकता है? क्यों, वो किताब उन्होंने दी हुई है और जैसे आएगी तो हम लगवा लेंगे। आप कोई हल नहीं है। ये कब से चला रहे हैं आप इस तरह अनरजिस्टर्ड? एक हफ्ता हुआ है। कितनी देर चलाते हैं रोजाना? ये घर की गाड़ी है, फैमिली गाड़ी है, तो मैं ड्राइवर हूँ उनका। नाज़रीन, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये अनरजिस्टर्ड थी, जिस वजह से इसको रोका गया है। एक आगे लेक्सस गाड़ी रखी हुई है जिसमें फैमिली बैठी है, अब शायद उनको छोड़ा जा रहा है क्योंकि फैमिली है, फैमिली का एहतराम किया जा रहा है। इस गाड़ी को क्लीपर लगाया गया, इसकी क्या वजह है? अब ये गाड़ी यहीं पर रहेगी? जी बिल्कुल, इस गाड़ी को चेक किया गया है। इस गाड़ी के 2 साल के टोकन शॉर्ट हैं जिनकी रकम जो है वो 1 लाख से ज़्यादा बन रही है। तो जो गाड़ी के चलाने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई आपने टोकन पे नहीं किया, इसके टोकन पे अभी करवा दें। तो इन्होंने अपने मालक, ये ड्राइवर हैं, अपने मालक से बात करवाई है। उन्होंने हमें कहा है कि आप हमें इसका PSID जो पेमेंट के लिए हमारा होगा उसको भिजवा दें हमें। तो इसका PSID क्रिएट करके उनको हमने भेज दिया है और अभी उसकी पेमेंट हो जाएगी तो उस गाड़ी को हम जाने देंगे। नाज़रीन, एक और महंगी गाड़ी रोकी गई है, हैवल गाड़ी है ये। और ये गाड़ी क्यों रोकी है एक्साइज पुलिस ने? बिल्कुल जी, नंबर प्लेट नहीं लगवाया हुआ जनाब अली ने। प्लेट भी नहीं लगाई आपने? गाड़ी चली भी कितनी है जरा ये देखें। मुझे 1678 किलोमीटर गाड़ी चली भी है, इस्लामाबाद नंबर रजिस्टर्ड है, 88 नंबर। प्लेट तो लगाएं मेरी जान। सर आएगी तो लगाऊंगा ना। नहीं, प्लेट उसे बना के लाएं। वो फिर चलान करते हैं आपके दूसरे वार्डन जो है। वार्डन करते हैं, इस तरह चलान ज्यादा होगा। नंबर दे दिया, मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड है। मैं सर ये कह रहे हैं रजिस्टर्ड है तो फिर तो इधर आए। ये मैंने पेमेंट किया, ये इस्लामाबाद एक्साइज के डॉक्यूमेंट है, 88 नंबर गाड़ी को लगा हुआ है BEG। अभी आप ई पे लगा दें, हम आपको बढ़ा देते हैं, ID बना देते हैं। ये सर क्या सूरत हाल है? 2 साल के टोकन शार्ट है, 23,500 रुपया। ये अभी ऑनलाइन लगाते हैं, ये कह रहे हैं अभी लगा देते हैं। तो इस तरह नाज़रीन, जब किसी को रोका जा रहा है तो उनसे मौके पर ही टोकन टैक्स की अदायगी के लिए उनको PSID जारी की जाती है। ये जो गाड़ी रोकी गई है ये हैवल जोलियन है, और इससे पहले भी एक हैवल गाड़ी थी जो कि उनका भी शायद यही इशू था। नाज़रीन, एक और गाड़ी रोकी है हैवल की। हैवल की बहुत गाड़ियां चलने लगी लाहौर में और टैक्स नहीं अदा कर रहे। अगर आप अभी पे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको PSID बना देता हूँ, आप घर जाके इसको पे कर लीजिएगा आराम से।
मोबाइल काइंडली अपना ये सुहेल साहब के नाम पे सर कर, आपने मोबाइल से इसकी तस्वीर ले लीजिए। आपको इसका मेथड आता है कैसे पे करते हैं? जी ये सुहेल साहब की गाड़ी का ना इस साल का टोकन शॉर्ट है, तो अभी क्योंकि हमारा ग्रेस पीरियड चल रहा है, इनको हमने पी एस आई डी बना के दे दी है, ये अभी जाकर घर अपने या अपने अकाउंटेंट से इसको पे करवा लेंगे, और जैसे ये पे करेंगे हमारी ऐप के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और हमें मैसेज भी आ जाएगा और इनको खुद भी मैसेज आ जाएगा। हजरत बस इतना जानना चाहूँगा अदा क्यों नहीं कर सके? नहीं मुझे पता नहीं लगा, मैं वो मेरा ऑफिस करता है, अब मेरे पास 9 गाड़ी है तो किसी का नहीं, तो इसका नहीं अदा कर सके बस। नहीं मुझे नहीं पता था कि नहीं हुआ, मुझे अभी पता चला। वैसे आप बकायदगी से अदा करते रहते हैं, ज्यादा हो गया सर। 26,000 आ रहा है आपका, 26,000 डिले कितना हुआ है? अभी ग्रेस पीरियड चल रहा है ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी थी कि आपको एक्स्ट्रा 10% रिबेट मिल रही थी, अनफॉर्चुनेटली आपने वो अवेल नहीं की। यही हुआ सर। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, टोकन टैक्स अदा करना ये एक आवाम की कितनी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब आप बता सकते हैं। अच्छा मेरे ख्याल में आपका मैं प्रोग्राम देखता हूँ, लेकिन मैं बहुत एडमायर करता हूँ आपके प्रोग्राम को। आप बड़े एक तो आप हम्बल लोगों से बातचीत करते हैं, उनको इरिटेट नहीं करते आप। अभी ये जो काफ़ी लोगों को रोक रहे हैं, ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ जो टैक्स अदा नहीं करती, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ हैं, इस हवाले से क्योंकि आप भी बता रहे हैं आपके पास भी माशाल्लाह गाड़ियों का एक स्टॉक है अच्छा। गाड़ी में बैठने से बंदा नहीं बड़ा होता, हमारे यहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, छोटे घरों में बड़े लोग और बड़े घरों में छोटे लोग, छोटी गाड़ियों में बड़े लोग और बड़ी गाड़ियों में छोटे लोग होना शुरू हो गए, ज़्यादा हो गए। एक ऐसी गाड़ी रोकी है जिस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नंबर प्लेट लगी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नंबर प्लेट रोक ली है, ये क्यों रोकी गई है ये हम जानेंगे। तारिक साहब क्यों रोका है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गाड़ी है? ये लगा हुआ नंबर, इसको ये लगा क्यों हुआ है? वो ब्राइटफोर्ड प्लेटें लगाई, अब ये जा रहे हैं, ये लंबा लगा हुआ है ना, उन्होंने गलत प्लेटें लगाई हुई, वो कहते हैं लगा लेते हैं प्लेटें दूसरी बनवा के ना लगा लेते हैं। सरकारी गाड़ी है? सरकारी गाड़ी है ना, तो उन्होंने ऑलरेडी जो नंबर लगा हुआ है ना उनकी नंबर प्लेटें बनवाने के दी हुई है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि ये हम उतार के वो लगा लेंगे, वो उतार के फिर स्मार्ट कार्ड दिखाया 6-7 कार्ड का वो लगा हुआ नंबर। तो नाजरीन जो ये एक्साइज के नाके हैं, सरकारी गाड़ियाँ भी अगर बगैर नंबर प्लेट के चल रही हैं या उसके अलावा उनके टोकन टैक्स का मसला है तो उनको भी रोका जा रहा है।